डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जिसका अध्ययन करेंगे वो बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर सेकंड है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उसके अंदर अपन जो शुरुआत करेंगे जैसे इंट्रोडक्शन टू सेल से डिस्कवरी ऑफ सेल्स टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, माई सेल्फ महेंद्र सिंह होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज धौरपुर। तो जीवन के अंदर अपन जो सेकंड पेपर का सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का जो शुरुआत है, जैसे इंट्रोडक्शन टू सेल की बात करें, उसका के परिचय की बात करें, तो सबसे पहले बात आती है कि सेल को डिफाइन कैसे किया जाए, सेल को कैसे परिभाषित किया जाए, कोशिका क्या होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कोशिका है, सेल है, दैट द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। तो मैंने इसके अंदर दो चीजें हैं, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मीन्स संरचनात्मक इकाई इकाई और सेकेंड नंबर क्रियात्मक का मतलब क्या है, संरचनात्मक इकाई से क्या तात्पर्य है, क्रियात्मक इकाई से क्या तात्पर्य है। तो जैसे सबसे पहले अपन बात करें संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट, तो इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से जैसे कोई दीवार है, दीवार में जैसे प्रमुख रूप से जो दीवार है वो किससे बनी होती है, ईंटों से बनी होती है। तो एक ईंट जो है उस दीवार की एक संरचनात्मक इकाई है। उसी प्रकार से जो कोशिका है, सेल है, वो सभी सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। दूसरी बात आपकी क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई से मतलब यह है कि जैसे जो भी कार्य हो रहा है बॉडी के अंदर, जितनी भी जैविक क्रिया हो रही है शरीर के अंदर, सजीवों के अंदर जितनी भी जैविक क्रिया है, उसकी जो इकाई है वो है कोशिका, कोशिका के अंदर संपन्न है। तो इस प्रकार से ये जो बेसिक डेफिनेशन है, परिभाषा है कोशिका की, तो उसमें ये दो फंडामेंटल चीजें हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। उसके बाद इसके उसके बारे में बात करेंगे कि जैसे अभी आप सेल कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज जो है वो एक तो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 1665 में कोशिका की खोज की थी, और इन्होंने अपने द्वारा एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसमें कॉर्क प्लांट होता है, उस कॉर्क के जो उसकी मतलब पतली पतली के सेक्शन का, और उन पतले पतले सेक्शन को इनके द्वारा जो बनाई गई सूक्ष्मदर्शी थी उसमें लगा करके इन्होंने देखा था। तो इन्होंने देखा कि उसमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में जो संरचना दिखाई देती है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी क्या संरचना इसमें दिखाई देती है, इस प्रकार की। और इन्होंने इसका नाम सेलुलर, सेलुलर का मीन्स होता है चैम्बर, कच्च, जिस प्रकार से जो हनी के चैम्बर होते हैं उसी प्रकार की इनकी संरचना दिखाई गई थी। तो सेलुलर नाम में इसका जो बाद में मॉडिफाई हो गया इसमें सेल्स कर दिया, और इसको उन्होंने क्या अपनी जो बुक थी माइक्रोग्राफिया उसमें क्या पब्लिश किया। इसके बाद नेक्स्ट पेपर इसकी बात करें टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल
अच्छा होता है। केंद्र के संगठन के आधार पर कोशिका के कर्म, केंद्र के संगठन के आधार पर कोशिका के कर्म संगठन के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड इज द यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका को डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर दो वर्ड है, प्रो प्लस कैरियो। प्रो मींस होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक मींस होता है कैरियो। कैरियो मींस न्यूक्लियस। तो जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि ये केंद्र के संगठन के आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस मींस अ सच टाइप ऑफ सेल्स व्हिच हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस, दैट इज नो डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंड दे आल्सो नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन बाउंड सेल मेम्ब्रेन। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिनके अंदर जो केंद्रक होता है वो आद्य अवस्था में होता है, और ऐसे केंद्रक की जो पहचान है वो है कि इसके ऊपर न तो स्पष्ट केंद्रक झिल्ली होती है, न ही इसके अंदर की केंद्रिका होती है। इसके साथ साथ इन कोशिका में दोहरी झिल्ली से आबद्ध जो कोशिकाएं हैं या कोशिका कला से आबद्ध जो कोशिकाएं हैं वो क्या होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे कोशिकाएं जो है तो कोशिका कला से आबद्ध होते हैं और धूरी धूरी से आबद्ध होते हैं, ये क्या होते हैं अनुपस्थित। अब बात आती है कि इनके एग्जाम्पल से इसे, तो एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जो है तो इसके अंदर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया न्यूक्लियर है, ये इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ये जो है मुख्य रूप से इसके एग्जांपल है, बैक्टीरिया, ब्लूग्रेन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। इसके कंपेरिजन में अपन दूसरी सेल्स की जो बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, इसके अंदर दो वर्ड है, यू प्लस कैरियो, यू प्लस कैरियो। यू मींस होता है वेल ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज, कैरियो मींस होता है न्यूक्लियस। तो सीधी सी बात है, जैसे नाम से पता लग रहा है, ये जो कोशिका होंगी ये ऐसी कोशिका होंगी जिनके अंदर केंद्रक सुसंगठित होगा। सुसंगठित से तात्पर्य है कि उसके ऊपर डेफिनेट
केंद्रक कला होगी, उसके अंदर केंद्रता होगी और यह क्या पूर्ण रूप से विकसित होगी। इसके साथ साथ इन कोशिकाओं के अंदर जो दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिकाएं हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वंशिकाए है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कोशिकाएं क्या पाए जाए, तो ऐसी जो मतलब सेल्स है उन सेल्स को पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल्स। और इस प्रकार की जो सेल्स के एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जो है इसके, तो जनरली एग्जाम्पल में अपन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स अगर उनको छोड़ें तो बाकी बची हुई सारी सेल्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोटोजोअन्स है, फंजाई है, एल्गी है, और इसके अलावा जैसे अपन जो है जैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर मोनेरा को हटा, जो किंगडम मोनेरा है जैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फाइव किंगडम में आज चीते करने दिया है, तो उसके अंदर जो फाइव किंगडम में जो फाइव किंगडम के अंदर जो पहला जो किंगडम है मोनेरा, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स है। उसके अलावा जितने भी किंगडम हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, इन सभी के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं।